नमस्कार मित्रों, कहना नहीं चाहिए बल्कि कस के साथ कहना पड़ता है कि चार लोगों को ले जाकर के धरना प्रदर्शन करना, ये कहाँ का इंसाफ है। और तो छोड़िए, बड़ी बात देखिए कि उनके क्षेत्र के लिए लोग ही, बताया गया है कि उस क्षेत्र में 22 थाने हैं और 22 थाने में से 22 लोग भी नहीं आए, बल्कि तो हर थाने से 5 लोग कमाने ही चाहिए था, 100-200 की भीड़ होनी चाहिए था, अपने क्षेत्र के 22 लोग इकट्ठा ना कर सके। जने कहाँ कहाँ 75 जिलों में बताते हैं 75 जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन 75 लोग नहीं इकट्ठा हो सके। इसका कारण क्या है आप लोग समझिए। इसका कारण ये है कि हमारे सब भाई जागरूक हो चुके हैं और हम जान रहे हैं कि आने वाले समय में आप सब लोग जागरूकता ही ला करके एक दिन जीतोगे और ऐसे लोगों को जवाब दो जो राजनीति करने का काम करते हैं और ठगने का काम करते हैं। या आप लोगों का प्रेम और ये आशीर्वाद जो है, ये शायद मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं अगर एक आवाज़ उठाऊंगा तो बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, 200-500 तो तुरंत चले आएंगे। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्र को तो पीछे कर रहा हूँ, मैं इन्हीं के तरफ की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल की। वहाँ के हमारे भाई बंधु खड़े हो जाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ईमानदार व्यक्ति का साथ देने से ही हमें जीत प्राप्त होगी। और भी कई संगठन हैं, उनको कोई ऐसी दिक्कत समस्या नहीं होती, इनको ही क्यों ऐसी समस्या खड़ी होती जो इनके साथ लोग खड़े नहीं होते। वाह वाही करना, तारीफ का पुल बांधना, ये हर किसी को आता है, ये हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि एक भाई हमारे घर पे कल आए, उसमें एक ना समझ व्यक्ति ने कमेंट किया। उसमें भाई जो हमारे ग्राम प्रहरी मिलने आए, उन्होंने कहा कि अरे भैया, आप तो भगवान स्वरूप हैं और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। देखो, भगवान मैं नहीं लेकिन भगवान का भक्त तो हूँ, और अगर कोई व्यक्ति मुझे भगवान स्वरूप देखता है तो ये उसका बड़ापन है और अपनापन है, क्योंकि मैं वैसे कर्म करता हूँ, मैं गंदे कर्म नहीं करता। जैसे माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनको आप लोग भगवान समझते हैं, क्यों? क्योंकि एक अच्छे महापुरुष हैं, इसलिए समझते हो ना। उसी तरह से उसने भी हमको बोल दिया, तो उसमें कमेंट में नीचे लिख रहे हैं कि अब तो भगवान मिल गए हैं। टिप्पणी इनकी देखिए, अब तो भगवान मिल गए हैं, अब धरना करने की जरूरत नहीं है, अब तो भगवान जो चाहेंगे वही हो जाएगा। इस तरह का टिप्पणी करके क्या वो दर्शाना चाहते हैं? और यहां पर जो धरना करने गए थे, चप्पल छोड़ करके उनको भागना पड़ा, चार लोग अपने बटोर करके। इसका कारण क्या है? आप समझदार है ना, समझ सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ गुमराह करना और काम को बेकार करना, बर्बाद करना, इन्होंने सोच लिया है कि चौकीदार विभाग का सत्यानाश जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये चल रहा है प्यारे मित्र, और मैं तमाम लोगों को एक बात कह रहा हूं चलते चलते कि आप अगर सच में वॉइस ऑफ किंग के परिवार हैं, आप सदस्य हैं, तो आप लोग कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि इस कार्ड के जो फायदे हैं ये शायद आपको अंदाजा नहीं। आप दुनिया में ठगी करवा लिए हो, जहां दुनिया में पैसा दे दे के ठग गए, यहां आपके कार्ड में कोई हम करोड़पति नहीं बन रहे हैं। यहां तक भी बोल रहे हैं कि अगर आपके पास नहीं कुछ भी है ना, तो भी हम कार्ड बना के देंगे। इसके लिए आप हेमंत कुमार से, गौरव से और शिषपाल और अय्या से, इन लोगों से संपर्क कर सकते हो, छोटे लाल गंगाराम पासवान से संपर्क कर सकते हो। आप कार्ड बनवा लें वाई साहब किंग का, जिसमें आप सदस्य हैं तो सदस्य, पदाधिकारी हैं तो पदाधिकारी लिखा जाएगा, पूरा एड्रेस होगा, इसमें आधार की तरह उस कार्ड की वैल्यू होगी, अगर आधार नहीं है उसकी जगह काम करेगा, प्लस आपके जो पुलिस का थंबनेल है वो भी लगा होगा, उससे आपकी पहचान हो सकेगी कि आप पुलिस विभाग से हैं। जिनके पुलिस ग्राम प्रहरी के कार्ड नहीं बने हैं वहां पर ये काम करेगा, आप थाने पर भी ले जा सकते हो गले में डाल करके, और आप कहीं भी जन आंदोलन करोगे उस कार्ड की मर्यादा होगी कि आपको कोई टच नहीं करेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा कि आप कौन हैं। आप जब बोलोगे कि ना मैं वॉइस ऑफ किंग का सदस्य हूं, तो आप यकीन मानिए कि उससे बहुत बड़ा आपको पावर मिलेगा। आपसे लोग घबराएंगे कि कहीं ऐसा ना हो हमारी वीडियोग्राफी कर लें, आपको वीडियो बनाने का पूरा अधिकार मिलेगा, बहुत सारे ऐसे फायदे मिलेंगे, मैं अब आपको नहीं गिना सकता हूं। लेकिन देर मत करिए, बनवाइए, जिम्मेदारी के साथ अपने अपने जिले की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि हम हर जगह नहीं दौड़ सकते। आप बनवाइए, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि उस कार्ड की जो वैल्यू है वो आपको खुद देखने को मिल जाएगी, और नहीं मिलते ना तो मेरे मुंह पे वापस करना आखे आपका जो भी खर्चा लगा होगा, क्योंकि कार्ड का खर्चा आपसे लिया जाएगा, ना कि कोई
हम अपना कमाने का उद्देश्य सोच रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है तो मत बनवाइए, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो लोग बनवाना चाहते हैं वो देर ना करें, फटाफट बनवाएं। जय हिंद जय भारत। क्योंकि जो लोग घटिया मानसिकता रखते हैं, जिन लोग को कार्ड बन जाएंगे उनके कार्ड को फायदा जब मिलने लगेगा उसके बाद अगर कोई कार्ड बनवाने आएगा तो 4 गुना पेमेंट उसको देना होगा। ये बात और क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी पद के नाम पे पैसा नहीं लिया जाता है। सिर्फ जो खर्चा है वो आपको खर्चा देना पड़ेगा जो कार्ड का है। भाई मैं जेब से नहीं दे सकता ना सबका। इसके अलावा भी अगर आपके मान लो 1-2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं ये नहीं आपके पास है तो भी आपका कार्ड बनेगा। यहाँ कोई लालच लेकर के नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है तो कार्ड नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन बनवाइए फटाफट आधार कार्ड अपना और फोटो और एक भेजिए इनको, और उसके बाद एक फार्म आएगा, फार्म भरिए। 7 से 8 दिन लगेगा आने में, ठीक है भाई। जैसा हो कमेंट करना। जय हिंद जय भारत।